दर्दनाक घटना। अस्पताल में कैंसर से जूझ रही पत्नी, गणपति विसर्जन कर खेत जा रहे पति की एक्सीडेंट में हुई मौत। दरअसल तस्वीर में दिखाई दे रहे 35 साल देवा दत्ता बलहाड़ नामी व्यक्ति बीते मंगलवार 17 सितंबर 2024 को गांव की गणपति को विसर्जन कर अपनी पत्नी जो कैंसर से लड़ रही है उसके लिए प्रार्थना कर शाम के समय खेत जा रहे थे कि अचानक एक अनजान गाड़ी वाले ने उन्हें पीछे से टक्कर मार फरार हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि देवा का सर चकनाचूर हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया, जहां परिवार वाले कुछ देर पुलिस से मामला दर्ज कराने पर अड़े रहे और फिर पुलिस ने मामले को शांत कर लाश को परिवार वालों को सौंप दिया। कहा जा रहा है कि मृत्यु देवा की पत्नी का पिछले 6 महीनों से छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए पति देवा दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इस दुर्घटना से मृत्यु देवा के परिवार में दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। ये घटना नांदेड़ जिला तालुका हद गांव के मनाड़ा गांव की बताई जा रही है।